गर्म है, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हारी बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो तुम्हारी बॉडी बोल रही है कि मुझे हीट के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी के लिए मुझे खाना नहीं चाहिए, एंड दैट्स द मेन रीजन तुम्हारा भूख का लेवल बहुत कम हो रहा है। बट बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, अनलेस आप एक बहुत ही ठंडे प्रदेश में रह रहे हो, अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही गंदी वाली गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और गर्मियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पसीना एंड चिपचिपाहट एंड काम नहीं करने का मन करना एंड बहुत सारी चीजें। बट सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि सर खाना खाने का मन ही नहीं करता है, हमारा एपेटाइट है ना बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमारा गर्मियों में एपेटाइट क्यों कम हो जाता है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, राइट। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है, ये मेरा चैनल है जहाँ पे हम सारे न्यूट्रिशन और हेल्थ की बातों को सिंपलीफाई करते हैं। तो अगर आपको सिंपल सिंपल बातें पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो बात करते हैं समर और एपेटाइट के बारे में। अच्छा, हमें ये टॉपिक को समझने के लिए ना हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है थर्मोरेगुलेशन। मतलब तुम्हारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, तापमान, उसको तुम्हारी बॉडी है ना एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करना पसंद करती है। अगर आपका टेम्परेचर नीचे गया तो तुम्हारी बॉडी कुछ करके उसको वापस से ऊपर लेके आएगी, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कहीं ऊपर गया तो तुम्हारी बॉडी वापस से उसको नीचे लेके आएगी कुछ ना कुछ करके, एंड दैट्स जादू। तुम्हारी बॉडी को वो अच्छे से आता है, इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी सारी चीज़ों में वही करती है। पर वो टॉपिक्स के बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं हीट थर्मोरेगुलेशन के बारे में। ओके, तो याद करो विंटर अभी अभी जो गया है उसमें तुम्हें बहुत खाना खाने का मन करता है। विंटर में तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का जितना भी खाना है मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज विंटर में तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, डिपेंडिंग अपन तुम कहाँ पे रह रहे हो। ठंड की वजह से तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे गया, अभी उसको टेम्परेचर को ऊपर लाने के लिए तुम्हारी बॉडी को हीट चाहिए। हीट मिलती है एनर्जी में से, एनर्जी मिलता है हमारे खाने में से। तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर वापिस से नॉर्मल आएगा। थर्मो रेगुलेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट समर में क्या होता है, तुम्हारा वेदर बहुत गर्म है, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हारी बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो तुम्हारी बॉडी बोल रही है कि मुझे हीट के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी के लिए मुझे खाना नहीं चाहिए, एंड दैट्स द मेन रीजन तुम्हारा भूख का लेवल बहुत कम हो रहा है। बट बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, खाना तुम सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं खाते हो, खाने के बहुत सारे दूसरे काम है, राइट। तुम्हारे बॉडी के हॉर्मोन्स बनाना, स्किन, हेयर, नेल, ऑर्गन्स, रिपेयर, रिकवरी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड हॉर्मोन्स बनाना, एंड सारी चीजें तुम्हारा खाना करता है, राइट। तुम्हें जिंदा रखने का काम खाने का है, तुम सिर्फ एनर्जी को इंपॉर्टेंस दे के ऐसा बोलोगे कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है और मुझे एनर्जी की जरूरत भी नहीं है हीट के लिए। तुम्हें और चीजें करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगा, खाने में से ही मिलेगा ना, तो खाना नहीं खाओगे तो कैसा चलेगा। पर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तुम बोलो, क्योंकि सर आप ही बोलते हो कि तुम्हें तुम्हारे बॉडी के क्यूज सुनने चाहिए, अगर भूख नहीं लग रही है तो नहीं खाना चाहिए, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, राइट। दैट इज स्टिल ट्रू। तो गर्मियों में खाना कम खाने का मन करता है, खाना नहीं खाने का मन नहीं करता है। तो जब भी आपको भूख लगे ना, हियर इज अ सजेशन, प्रायोरिटाइज योर एसेंशियल्स। तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया, राइट, कि हमारा खाना तीन कंपोनेंट में से आता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, उसी में विटामिंस, मिनरल्स आ जाता है, फिर हम पानी पीते हैं, राइट। ये छह चीज़ों में से हमारा खाना आता है, इन छह ही चीज़ों में से सब कुछ हमें मिलता है जो हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अभी प्रोटीन्स और फैट्स है ना, वो एसेंशियल्स है, कार्ब्स नॉट सो एसेंशियल्स। आई एम नॉट सेइंग कार्ब्स आर बैड, आई एम सेइंग जरूरी। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब पता है, एसेंशियल मतलब इसके बगैर नहीं चलेगा, नॉन एसेंशियल इज लाइक इसके बगैर एक बार चल सकता है। इन कार्ब्स को मैं नॉन एसेंशियल इसलिए बोलता हूं बिकॉज प्रोटीन्स और फैट्स में से तुम्हारी बॉडी कार्ब्स बना सकती है, बट तुम्हारी बॉडी फैट्स और प्रोटीन्स खुद से नहीं बना सकती है, उसके लिए तुम्हें बाहर से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा खाने के तौर पे। तो जब भी तुम खाना खा रहे हो ना, तो मेक श्योर तुम प्रोटीन्स और फैट्स को प्रायोरिटाइज करो। बोल रहे हो कि मुझे पूरा मील खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कम खाऊंगी मैं, तुम्हें रोटी और राइस को कम करना है। प्लीज़ कंज्यूम योर एसेंशियल विच इज़ योर प्रोटीन्स एंड फैट्स, क्योंकि उनमें से तुम्हें एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो तुम्हारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। सो दीज आर सिंपल टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई समर में हमारी भूख कम हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक देना, कुछ भी मैंने मिस आउट कर दिया, कुछ सवाल हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स में मुझसे पूछो, और अगर आप चाहते हो कि मैं
आपका न्यूट्रिशन एनालाइज करके आपको स्पेसिफिक आपके बॉडी के हिसाब से कुछ न्यूट्रिशन टिप्स दूँ। तो मैं फ्री लाइफस्टाइल चेकअप कराता हूँ। फ्री लाइफस्टाइल चेकअप आपको बुक करवाना हो तो मेरी डिटेल्स यहाँ पे होंगी, मैसेज करो, हम आपका स्लॉट बुक करेंगे। ये स्लॉट आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी वन ऑन वन सजेशंस मिल सकते हैं। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा आई थिंक अगले संडे को 4 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।